जींद में 15 फरवरी को होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली को लेकर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। रैली से पहले जाट नेता यशपाल मलिक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच बातचीत हुई और कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन जाट नेताओं का एक धड़ा रैली के विरोध में नजर आ रहा है। रविवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा सरकार और जाट नेताओं के बीच चली मैराथन बैठक में आखिरकार खट्टर सरकार जाट नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई है, जिसके बाद 15 फरवरी को जींद में होने वाली अमित शाह की रैली भी शांतिपूर्ण तरीके से होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसके बदले सरकार ने जाट नेताओं की उन सभी मांगों पर हामी भर दी है जिसको लेकर जाट नेता जींद की रैली में पहुँचने वाले थे। सरकार ने जाटों को आश्वस्त किया है कि साल 2016 में जाट आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर भी केस दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लिया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण नीति में भी राज्य और केंद्र सरकार पुनः समीक्षा करेगी। सरकार ने जाट नेताओं से 31 मार्च तक का समय मांगा है। जाट नेताओं और सरकार के बीच चली इस बैठक के दो अहम दौर रहे। पहले दौर में मुख्यमंत्री और जाट नेताओं के बीच मीटिंग हुई, इसके बाद दूसरे दौर में केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। दोपहर तकरीबन 4 बजे शुरू होने वाली मीटिंग 1.5 से 2 घंटे देरी से शुरू हुई और रात के 12 बजे तक चली। मीटिंग के बाद जाट नेताओं ने कहा कि वो जींद में किसी भी तरह का विरोध करने के मकसद से नहीं बल्कि अपनी मांगों को रखने जा रहे थे। जाट नेताओं ने 18 फरवरी को हरियाणा में बलिदान दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। हमारी ये भाईचारा न्याय यात्रा थी और हमारा किसी का विरोध करना उद्देश्य नहीं था। हमारा अपने मुद्दों पे जिन पे 19 मार्च को समझौता हुआ था उस पर दोबारा वार्ता करके उन मुद्दों को वह पूरा कराना था जो आज सरकार ने मान लिए हैं, और जो जो परेशानियां सरकार के सामने रही होगी इनको डिले होने की या उसकी, वो भी बैठ के बात कर ली गई है कि आगे हम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म रखेंगे कि सारे काम समय पर पूरे हो सके। तो आज इसके लिए हम भी अपने सभी भाईचारे से अपील करते हैं कि हम लोगों ने यह आंदोलन आज स्थगित कर दिया है। जींद में 15 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बाइक रैली करने वाले हैं और सरकार इस रैली को हर हाल में सफल कराने में जुटी हुई है।